Yeah, Shafi. ये ठीक हो जाएंगे ना? ठीक हो जाएंगे ना? इसका जख्म बहुत गहरा है बेटी, इसका बहुत खून बह गया है, लेकिन मेरा बेटा मजबूत है, उठ जाएगा, है ना कुमराल अब्दाल? उठ जाएगा ना, है ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खवातीन, इधर आइए मेरे पास, आप सब भी जख्मी हैं, आए अपने जख्म दिखाएं। मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह किसी को भी फायदा नहीं होगा, हर तरफ जख्मी लोग हैं। बेंगे, आयशा, अपना भी ख्याल रखें। वालिदा, हमने आग को बुझा दिया है, जख्मियों की देखभाल भी की जा रही है। शौदा तदफीन के लिए तैयार है। ठीक है मेरे बेटो। मैं मर गई, बचा नहीं सकी, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सकी। उक्ताम चला गया, मेरा कबीला चला गया। अब मैं मर गई हूं। आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। चले लड़े। ये सब मेरा कसूर है, मेरे गुनाहों का बदला मेरी औलाद दे रही है। अलगन, जल्दी से सिरका और पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ये जल रहा है। उस्मान की चाल ने मोहर को गैर मुअस्सर कर दिया है, क्या यही तुम्हारा एतमाद था? कोनिया के सुल्तान तुम हो अलाउद्दीन। सुल्तान, तुम्हारे इख्तदार पर खजन खान का साया पड़ा, इसमें किसी की गलती नहीं। अब हमारे पास सुकून से सोचने का वक्त है। उस्मान, गजन खान और सरदारान मसूद के साथ हैं, उसे शिकस्त देने के लिए हमें बड़ी ताकत की जरूरत है। बाज़ंतीन का अज़ीम तैकफूर वायलेंस, वो हमसे मुत्तफिक है। उसके पास एक मजबूत लश्कर है। अजीम नायमान, तैकफूर वायलेंस ने तुर्कमान कबाइल पर हमला किया। उनमें कारगुन कबीला भी शामिल है। हमारे दुश्मन और हमारे लड़ने का तरीका एक जैसा है। अब मेरी बारी है नायमान, मैं सुल्तान की ताकत इस्तेमाल करूंगी, जो तमाम जंगजू इंतकाम लेना चाहते हैं मैं उनको इकट्ठा करूंगी। कैसे? अभी मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूं, लेकिन जल्द ही मैं खूंखार सिपाहियों के साथ
वापस आऊंगी। यहाँ 400 तलवारें लिखी हैं और मेरा वादा है 1000 तलवारों का उस्मान सरदार से। क्या अब सुल्तान ये कहेगा कि वो वादा पूरा नहीं कर सका तख्त पर बैठकर? जाओ। मसला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है, कान खोलकर सुन लिया जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, जो करना पड़े, मैं गुमशुदा तलवारों की तादाद पूरी करके ही रवाना होऊंगा। जो हुकुम जनाब। सिपाहियों की क्या खबर है? तैयार है सुल्तान हजरत। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान हजरत? आ जाओ। सुल्तान हजरत, उर्सा का तैफूर आपसे मिलना चाहता है। सब तैयारियां मुकम्मल करें और जाएं। यावर, सियासत एक दूसरे के साथ है। अब कोनिया के तमाम बेकारियों को जमा करके यहां लाओ। देखते हैं इन्हें किस चीज की जरूरत है। बुरसा तेकफूर, बुरसा के तेकफूर को इंतजार करने दो यावर। आसपास के सरदारान भी यहां पहुंचने वाले हैं वालिदा। कोपरी हिसार, बिलेजिक और इनागोल से भी खबर आई है, सब एहतियात कर रहे हैं। और यानी शहर, वहाँ की क्या सूरत हाल है? सिपाहियों को भेजकर वहाँ के हिफाजत इकदाम बढ़ा दिए हैं। या अल्लाह रहम फरमा दे। बेटा, जल्द ठीक हो जाओगे। उस्मान साहब, हमारी मदद करें। जी इंशाल्लाह। मदद करें। कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। सिपाहियों, देखो और मदद करो सबके। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। जल्द ठीक हो जाएंगी। आई कुछ पानी लाए। ये ले। ये ले, पानी पी ले। आप ठीक है ना? ठीक हूँ। कम सर्फ काफिर, क्या हाल कर दिया कबीले का उसने। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो मेरे भाई, हम जरूर इसका हिसाब लेंगे। सब तबाहो बर्बाद कर दिया। हाल देखो जरा कबीले का, जल के राख हो गए खेमे। जलील काफ़िर,
वो कलों की दीवारों पर नहीं आसान हदफ कबीले पर हमला करते हैं। उनको उन्हीं के खून में गर्क करके रख दूंगा मैं। मासूम जान, मासूम जाने, तकफूर वालेंस, इस आप तुम्हें इसका चुकाना होगा। जरकुताई, बोरान, जनाब, सिपाहियों को भेजो, जिसे जिस चीज की जरूरत है ख्याल रखा जाए और जो जख्मी है उनका इलाज किया जाए। जो आप कहे जनाब। जो हुक्म जनाब। ये तुर्क कुछ भी नहीं भूलते हैं और बहुत हसास भी हैं। अगर वो समझते हैं कि आपकी अजमत इस तरह से बिखर जाएगी, इसका मतलब वो कमजोर है। इन्हें जवाबी कार्रवाई करने दो जब मैं मैदान में उतर कर हमला करूंगा। इनके पास छुपने के लिए महल नहीं। वो खून के प्यासे हैं, वो अभी रुक गए हैं लेकिन बाज नहीं आएंगे। हम भी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मेरे बेटो उस्मान, ठीक हो ना? मलहून उस्मान, हम सब ठीक हैं मगर आप ठीक हैं? नहीं हूं। अख्तबूर अलचचक, कुमरान अब्दाल, बताएं सूरत हाल क्या है? अल्लाह के हुक्म से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा जनाब। इंशाअल्लाह खड़ा हो जाएगा। देखता हूं मैं उन्हें। अल्लाह का शुक्र, शुक्र है अल्लाह का।
अब तैमूर अल्जू चेक चाचा। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं अमानत की हिफाजत नहीं कर सका, उन्होंने मेरे सामने कत्ल किए। मैं मर भी नहीं सका। ऐसा मत सोचना। ये क्या कह रहे हो? हाँ तुम पहले से मजबूत हो गए, एक सरदार को ऐसी बातें जेब नहीं देती। जबकि उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, उनसे उनके किए का हम भी हिसाब लेंगे। बुरहान जनाब, सदरान को बुलाओ फौरन, जिरगा मुनक्कद होगा। जो हुकुम जनाब। सुल्तान मौज़म, मैं आपको दोबारा तख्त पर देखकर बहुत खुश हुआ हूं, मुबारक हो। शुक्रिया तैकफूर वैलिस, लेकिन इस वक्त मैं गुस्से में हूं। शायद सरहदी सरजमीनों पर जो हुआ इस वजह से। तुर्कमान कबीले पर हमला और आप मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। मुझे दूसरों के साथ मत उलझाओ तैकफूर। कबीले मुख्तलिफ हैं, सुल्तान हजरत मुख्तलिफ हैं। मेरे यहां आपके पास आने की भी यही वजह है। उस्मान साहब मेरा दुश्मन है और मैं उसे तबाह करूं। मैं चाहता हूं कि आप उसकी फौजी मदद को बिल्कुल बंद कर दें। इस खूनी सरजमीन पर हर एक को वो नहीं मिलता जो वो तलब करता है। तुम आप खजन खान की रजाई बेटी हूं। अगर आप इजाजत दें तो वो बात मुकम्मल करना चाहता हूं जो सुल्तान हजरत से कर रहा था। आपकी सल्तनत बहुत ताजा है और कोनिया के हालात भी खराब है। अगर इसरी गुल खातून की इजाजत हो तो बुरसा कोनिया की बहुत मदद करेगा और इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी होगी और वो उस्मान साहब के साथ मेरी मुलाकात। सुल्तान हजरत, कोनिया गुर्बत से लड़ता है और उस्मान सरदार आपसे। तैकफूर, सुलह हम भी चाहते हैं। देख लूंगा मैं। वो मुलाकात का इंतजार करेगा। तुमने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा जनाब। वो लश्कर जो तैयार हो रहा है, हथियार मंजीनिके सब उस्मान की तरफ जा रहे हैं। अफसोस वो भेज नहीं पाएगा। नायमान को जल्दी से पैगाम भेजो। नायमान का इत्तेहादी तैकफूर ये है।
बिल्कुल।